दसवें महीने चार बजे मंत्री ने खबर सुनाई है, सुंदर कन्या राजा तेरे महलों बीच में आई है, महलों बीच में आई है, हो महलों बीच में आई है। दसवें महीने चार बजे मंत्री ने खबर सुनाई है, सुंदर कन्या राजा तेरे महलों बीच में आई है, महलों बीच में आई है, महलों बीच में आई है। अरे खुशी खुशी फिर राजा जी ने पंडित को बुलवाया है, अपनी पहली बिटिया का फिर नामकरण करवाया है, नामकरण करवाया है, नामकरण करवाया है। खोल पत्र पंडित बोले, अमर है राजा राज दुलारी, अमर है राजा राज दुलारी, तारा नाम बताया है भाई, तारा नाम बताया है भाई, तारा नाम बताया है। जर प्रेम से बोलो जय माता, पैसा रे बोलो जय माता, जर मिलकर बोलो जय माता की, आवाज लगाई जय माता की, सच्चे दरबार की जय। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम रखा गया पहली बिटिया का? तारा। और पंडित जी महाराज राजा को समझा रहे कि राजा ये कन्या इतनी बड़ी भाग्यशाली होगी कि युगों युगों तक आपका नाम रोशन कर जाएगी, और माँ जगदम्बे की तो इतनी बड़ी पुजारण होगी राजा, जब भी अपनी माँ शीला वाली को पुकारेगी माँ इसके आवाज पर पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। तो मिल करके बोले, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ओ दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ओ दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। सच्चे दरबार की। अब धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उस कन्या को पलते पलते 3 साल हो गए राजा के महल में। फिर से माँ का दूसरा वरदान पूरा होता है, एक और फिर से राजा के महल में कन्या जन्म लेती है, मगर माँ भगवती ने एक लीला दिखाई, पहली कन्या गोरी है तो दूसरी काली है, तो बजाओ काली। अरे 3 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है, रंग सांवला लाई है, रंग सांवला लाई है। अरे खुशी खुशी फिर राजा जी ने पंडित को बुलवाया है, अपनी दूसरी बिटिया का फिर नामकरण करवाया है, नामकरण करवाया है, नामकरण करवाया है। अरे खोल पत्रा पंडित बोले, अरे लगन नजर नहीं आई है, जब बतलाया राजा को बुद्धि राजा चकराई है, बुद्धि राजा चकराई है, बुद्धि राजा चकराई है। शेरा वाले की जय, लाटा वाले की जय, शेरा वाले की जय, लाटा वाले की जय। कुर्सी वालों आपकी ताली बजा दो, हाँ मीठी मीठी, ये तो मांगने की घड़ी है विश्वास से, और दावे से कहता हूँ 1.25 साल के अंदर आपकी अरदास पूरी ना हो, एक बार मांग करके तो देखो, अब तो मांगने की घड़ी है, पूरी रात तो हम नाचे कूदे एंजॉय किया, मगर अब इस माह से मांगने की घड़ी है, तो एक बार मिल करके मेहनत करके मांग करके देखो, और ताली बजा के हो शेरा वाली की जय, लाटा वाली की जय, शेरा वाली की जय, लाटा वाली की जय। अरे बोलो बोलो भाई तो मेरी मैया की जय, बोलो बोलो भक्तो मेरी मैया की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। आज दूसरी बिटिया ने जन्म लिया, जैसे ऋषि मुनियों को घर पे बुलाया नामकरण करने के लिए, पंडित जी ने पहला पत्र खोला तो पहले पत्र में कोई नाम जोर से बोला तो नहीं, नाम नहीं निकला। दूसरा पत्र खोला तो उसके अंदर भी कोई नाम नहीं निकला। इस तरह से पंडित जी ने 5 पत्र खोल दी। अब जिसका पंच परमेश्वर के पास ही नाम नहीं है तो उसका क्या नाम रखा जाएगा। आज राजा आगे कहने लगे, पंडित जी महाराज को मेरी लाडली का अच्छा सा नाम रखा नहीं रखा,
पंडित जी महाराज कहने लगे, राजा हमें तो इस कन्या की कुंडली कुछ और ही बतला रही है। क्या एक बिल्कुल संख्या नाम का ग्रंथ उठाया, कहते हैं उसमें इंसान के सारे पुण्य जो कर्म किए होते हैं उसका फल लिखा होता है। आज गणित लगाया पंडित जी महाराज राजा को समझा रहे कि राजा अरे सुनो गौर से सुनो, हे राजा तुमको सच ही बताना है, अरे इस कन्या को अपना जीवन नीच घरों में बिताना है। इतनी बात सुनी तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे पंडित जी महाराज, एक राजा की बिटिया होकर के नीचों की जाति में पलेगी, ऐसा नहीं होने दूंगा, कोई उपाय बता दो। मैं उपाय कर दूंगा तो मेरे आंगन में ही पल जाएगी। महाराज नहीं, क्योंकि जो विधि ने विधान लिख दिया है उसे ना आप पाल सकते हो ना हम पाल सकते हैं। अगर इसे आप कन्या को आपके महलों से वापस जाना ही होगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। अब राजा कहने लगे पंडित जी महाराज मुझे एक बात बतलाइए, ऐसा क्या अपराध किया पिछले जन्म में इस कन्या ने जिसके कारण बस इस कन्या को अपना जीवन नीच घरों में बिताना पड़ेगा। कह लगे महाराज हम आपको इन दोनों बहनों के तीन जन्म पीछे की कथा सुनाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले जन्म में दोनों बहनें एक राजा इंद्र के अखाड़े में दो अप्सराएं हुआ करती थी। बड़ी का नाम था रैन का, छोटी का नाम था मेनका। नित्य क्या करती थी, एक दिन लोमर शिष्य आए, कहने लगे हमें रैन का मेनका का नित्य देखना है। अब क्रोध में आकर के दोनों बहनों ने साफ मना कर दिया कि हम नित्य करने नहीं जाएंगे। ऋषिवर ने क्रोध में आकर के दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि जाओ सराओ, मैं तो श्राप देता हूँ कि मृत लोक में जाकर के तरह तरह के दुख भोगोगी, तब तुम्हें पता पड़ेगा स्वर्ग लोक का सुख क्या होता है। और महाराज दूसरे जन्म में एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है दोनों बहनें, बड़ी का नाम छगन छोटी का नाम मगन। एक दिन आंवला एकादशी आई, आंवला एकादशी के दिन दोनों बहनें माँ भगवती का व्रत रखती हैं। उस एकादशी के दिन आंवला एकादशी कौन से महीने में आती है, फागुन में अब आएगी। उस एकादशी के दिन दोनों बहनों ने व्रत रखा, जब व्रत संपूर्ण होने को हुआ तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को बुलाया, ले बहन ये पैसे ले जा और जाकर के बाजार से कोई फल खरीद करके लेकर के आ। छोटी बहन अनजानती जाकर के बाजार में पहुंच गई, देखा क्या कि सामने की दुकान पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े बेसन में लिपट कर तले जा रहे थे। अनजानती दो जगह देखिए रास्ते में आ रही है, मन में पैदा हुई इच्छा कि क्यों ना मैं जरा सा चक्कर के देखूं। चक्कर के देखने के स्वाद में अपने हिस्से का खा गई और अपनी बहन के हिस्से का कपड़े से रख करके लेकर के जा रही है। मगर आज जैसे बड़ी बहन के पास पहुंची तो कहने लगी, बहन ले आज मैं ऐसा फल लेकर गई हूँ तूने कभी चखा नहीं होगा। आज बड़ी बहन ने बेसन को हटा के देखा, अंदर मांस का टुकड़ा। अरे नीच पापा जो शर्म ले आई, एकादशी के दिन हम अपने घर में चावल तक नहीं बनाते, तुम मांस का भोग लेकर के आई, एक काम कर इसको ले जाकर के बाहर फेंक करके आई, स्नान करके घर के अंदर आना। बड़ी बहन की छोटी बहन चरण पकड़ के बैठ गई, कहने लगी बहन मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बहन, मैं इसे तो बाहर फेंक जाऊंगी मगर जो मैंने अपने अंदर खा लिया है उसको कहां फेंक करके आऊं। आज मन में बड़ा दुख जता रही है, कहने लगी बड़ी बहन जा, तूने बड़ा नीचता का कार्य किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में छिपकली बन करके कीड़े मकोड़े खा करके अपनी गुजर बसर करेगी। पर छोटी बहन को श्राप दे दिया। छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी, बहन एक बात बता, मेरा उद्धार कैसे होगा, अगर मैं संसार में तुझसे मिलने आना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। बड़ी बहन कहने लगी, बहन अगर तू किसी शुभ कार्य में अपने प्राण गवाएगी तो संसार में मिलने मुझसे दोबारा आएगी। जरा प्रेम से बोलो भाई, सारे बोलो जरा मिलकर बोलो, माँ शेरों वाली भंडार भरेगी। आज बहन को उपाय बता दिया और महाराज जैसे श्राप दिया, कुछ दिन के बाद तुरंत वो छोटी बहन अपने प्राण त्याग देती है और एक सिरसरमा नाम के राजा के महलों की दीवार पर वो छोटी बहन छिपकली बनकर के कीड़े मकोड़े खा करके अपनी गुजर बसर कर रही है। जब उधर छोटी बहन के बिना बड़ी बहन का मन नहीं लगा तो दो चार दिन बाद बड़ी बहन ने भी अपने प्राण त्याग दिए और राजा जो तारा के नाम से आई है वो बड़ी बहन है। महाराज छोटी बहन का क्या हुआ, कहने लगे महाराज हम आपको कथा सुना रहे अभी शेष रहे, एक बार कह दो सच्चे दरबार की। महाराज एक दिन
सिर्फ सर्वनाम के राजा इसमा भगवती का बहुत बड़ा हवन यज्ञ भंडारा कराते, सारे ऋषि मुनियों को बुलाते। एक ऋषि दुर्वासा को बुलाना भूल गए। ऋषि दुर्वासा ने सोचा, आज राजा ने इतने बड़े भंडारे का आयोजन किया, हमने नहीं बुलाया। आज ऐसी लीला रचूंगा कि राजा का भंडारा खंडित कर दूंगा। पक्षी का भेष बना लिया, आकाश में उड़ते जा रहे हैं। काश मुझे कोई चीज नजर आ जाए तो उसे खा करके लेकर के चलूं। ताली बजा करके जरा, अरे पंछी का लिया भेष बना, भर कर उड़ान जो मारी है, मरे सर्प पर दुर्वासा की पड़ गई दृष्टि भारी है भाई, दृष्टि भारी है भाई, पड़ गई दृष्टि भारी है। और मरे सर्प को दुर्वासा ने पंज बीच दबाया है, उसी सर्प को दुर्वासा फिर भोजन साला लाया है भाई, लाया है भाई भोजन साला लाया है। अरे कोई ना देखता, कोई ना देखता, जब दृष्टि को मोड़ दिया, मरे सर्प को दुर्वासा ने खीर के अंदर छोड़ दिया। अब इस खीर को जो भी खाएगा वो मर जाएगा, और राजा को श्राप लगेगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि राजा ने हमें नहीं बुलाया। मगर दुर्वासा को ये पता नहीं था कि यहाँ पर कोई और भी है। हाँ, ऋषि दुर्वासा ने जैसी दृष्टि घुमाई तो देखा, मुझे किसी ने नहीं देखा, वहां से चल दिए। मगर ये सारा नजारा कौन देख रहा था? वो छिपकली देख रही थी दीवार से। आज ऋषि दुर्वासा ने बड़ा घोर अनर्थ कार्य किया है। अरे इनका क्या कसूर है? आज जितने मारे जाएंगे, मेरी बहन ने कहा था अगर किसी शुभ कार्य में अपने प्राण गवाएगी तो संसार में मिलने मुझसे दोबारा आएगी। जैसे ऋषि दुर्वासा अपना कार्य करके निकले तो छिपकली के कानों में आवाज आ जाएगी, अरे भैया जो खीर का प्रसाद तैयार है लेकर जाइए, हमें भोग लगाना है। अब इतनी बात सुनकर के छिपकली की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, राजा निर्दोष है, मगर एक बार अपनी बहन को बतला रही कि बहन देख, अब तक तो मैं तेरी याद में जली, और आज मुझे अगर खीर में गिर करके भी चलना पड़ा तो आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। और कह रही है, क्या बोलो सच्चे दरबार की, पर तेरी याद में जल कर देख लिया, अब खीर में जल कर देख के तेरी याद में जल कर देख लिया, अब खीर में जल कर देखेंगे, इस खीर में अपनी मौत सही ये राह भी चल कर देखेंगे, इस खीर में अपनी मौत सही ये राह भी चल कर देखेंगे, तेरी याद में चल कर देख लिया, अब खीर में जल कर देखेंगे। और अपनी बहन की बातों को याद कर रही है और मन में एक ही धारणा कर रही है, कह रही है क्या, ओ जो श्राप दिया सिर माथे पर मैं अपना वचन निभाऊंगी, अरे अगले जन्म में बहन मेरी मैं मिलने दोबारा, अरे अगले जन्म में बहन मेरी मैं मिलने दोबारा आऊंगी जरूर बहन। अब जैसे सारे शिवनी खीर के कढ़ाव के पास आए, झट से छिपकली ने दीवार से अपने पंजों को हटा दिया, खच की आवाज हुई, सारे शिवनियों का ध्यान खीर के कढ़ाव पर गया। जैसे ऋषिमुनियों ने देखा खीर में छिपकली गिरी है, अरे नित्य पापन का शर्म नहीं आई, आज तूने इतना बड़ा भंडारा तूने खंडित कर दिया, अब हम भोग की चीज क्या लगाएंगे, अरे कहीं और जाकर के मर जाती, तुझे मरने के लिए यही जगह मिली। मगर किसी भी ऋषि मुनि को ये पता नहीं था कि इसने तो इन सबकी जान बचाई। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, अब जाकर के जैसे राजा को बतलाया कि राजा एक नंदी से छिपकली ने पूरे खीर के कढ़ाव को नष्ट कर दिया है,
राजा कहने लगे कोई बात नहीं पंडित जी महाराज, आप इस खीर के कढ़ाव को जंगल में ले जाइए और गड्ढा खोद करके उसमें दाब दीजिए, जिससे कोई पशु पक्षी खाए वो मर ना जाए और हमें श्राप ना लगे। अब जैसे सारे सारी उस खीर के कढ़ाव को जंगल में ले करके गई, गड्ढा खोदा और खीर के कढ़ाव को औंधा किया तो अंदर क्या निकलता है? सांप नहीं, सांप का पंजर। हाँ, उस पंजर को देख करके सारे ऋषि घबरा गए, सारे माथा पकड़ के बैठ गए, कहने लगे माँ हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अरे अगर आज ये छिपकली ना गिरती तो आज हम में से कोई भी जीवित नहीं रहता, अरे इसने तो हम सबकी जान बचाई है, उल्टा हमने बुरा भला इसको ही कह दिया। आज सारे ऋषि सोच विचार कर रहे हैं, हम इसको एक वरदान देते हैं कि जन्म तो राजा के यहाँ लेगी मगर जाकर के तेरा पालन पोषण पृथ्वी के नीच घराने में होगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। अच्छा, यहाँ तक की कथा आपको समझ में आई नहीं आई? एक बात बताओ कि ये कथा कौन किसको सुना रहा है? पंडित जी राजा को। कौन से राजा को? जिनके कन्या हुई थी उनका नाम तो होगा, मैंने नाम बताया था। एक बार कहते सच्चे दरबार राजा स्पर्श को पंडित जी महाराज दोनों बहनों के तीन जनों के पीछे की कथा सुना रहे हैं। अब सुनिए महाराज, ये वो कन्या है जिसे आप अपने महलों के अंदर नहीं रख सकते, फिर क्या किया जाए महाराज? एक लकड़ी का बक्सा बनवा करके, हीरे मोती जवाहरात चढ़वा करके, मखमल का बिछौना करके इस कन्या को उसमें लेकर करके किसी नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। मगर कहते पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है, क्योंकि बेटी का कन्यादान करते समय पिता की आंखों से आंसू नहीं टूटे, उसके बाद तो आंसू रुकते ही नहीं, एक कमरे में जाकर के आंखों से आंसू बहाते हैं। पिता को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता, बेटा या बेटी? फिर पापा की परियां होती है, सुबह को 4 बजे उड़ जाती है, सूना कर जाती है पापा की बगिया का। कल को ये जीवन की सच्चाई है। एक बार को मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता मम्मी पापा से पूछने का, मगर बहन जरूर पूछे कि दरबार फोन करके, ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोग कामों में इतने व्यस्त हो जाते कि उनको ही भूल जाते। मगर आज वही बिटिया जा तो रही है, पिता ने आंखों से आंसू टपक रहे अपनी बिटिया के लिए डोली तैयार कर रहे, आज चुन चुन के इतने हीरे मोती जवाहरात मणियां जड़वा दिए कि मेरी लाडली के आने वाले जीवन में किसी बात का दुख ना हो। मगर कहते ना जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं डाल सकता, जैसे मखमल का बिछौना किया तो बिटिया के पास पहुंच गए, बिटिया को हृदय से लगा लिया, मुझे क्षमा कर देना आज मुझे बचपन में जुदा करना पड़ रहा है। मगर आज जाते जाते वो बिटिया बाबुल राजा से कह रही कि बाबुल राजा मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था जो आज आप मुझे बचपन में अपने महलों से जुदा कर रहे हैं। मगर जाते जाते बाबू राजा से एक ही बात कह रही है, क्या? मैं गुड़िया तेरे आंगन के, अरे बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन के, छोड़ चली घर बाबुल का मैं तो होते साजन के, भाई मैं गुड़िया तेरे आंगन के, हो बाबुल प्यारे मैं गुड़िया। आगे आगे चली तो माँ बेटी का जो नाता होता है वो सहेली की तरह होता है। मम्मी रो रही है, मम्मी के गले से लगी, माँ रो क्यों रोती है? अरे एक ना एक दिन तो हमें जाना है, मगर माँ के हृदय से लगी। आज मम्मी से कह रही, मम्मी रो मत, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ओ मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, मत रो मेरी माँ मत रो, ओ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन्य
बेटी पराया दर होती है, तुझको कसम मेरे अश्वन की, तुझको कसम मेरे अश्वन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। भैया बहन के दो ही त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन और भाई दो। अगर एक बार बहन ना आए तो समझो भैया की कलाई सूखी रहेगी। थमले से लग करके भैया रो रहा है, भैया की पास पहुंच गया। तू कहता था ना रोजाना कि मेरे घर को छोड़ करके जाएगी, मगर आज बचा कि मेरे बाबू राजा का मम्मी का ख्याल रखना, इन्हें कुछ हो ना जाए। क्योंकि जब भी बेटा बेटी बिहार जाती है तो भैया के दरवाजे पर जरूर जाती है, तू अमीर रहे या गरीब रहे, एक बार मेरे पटने पर आकर के खड़ा हो जाना। मगर जाते जाते बाबू राजा और भैया की कलाई पकड़ ली और भैया से कह रही है क्या, हो मैं जो पतिसी बहन हूँ भैया, बात पे आना बन के कन्हैया, ओ मैं तो पतिसी बहन हूँ भैया, बात पे आना बन के कन्हैया, तुझको कसम मेरे रखियन की, तुझको कसम मेरे रखियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे। अंत में बचे पिताजी जिसे पापा पापा कहते, थकती नहीं थी, क्योंकि जब भी पापा कहीं से हारे थके आए तो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के बिटिया पहुंचती। कभी पिताजी से किसी बात की डिमांड नहीं की। अगर पता पड़ गई कि आज मेरे पिता की जेब में पैसे नहीं, अगर चाहे बेटी को कितना अर्जेंट काम पड़ रहा हो, मने कर देगी कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरे पापा की जेब में पैसे नहीं है। अरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, पापा, क्योंकि पापा सभी के प्यारे हैं। आज ये जीवन की सच्चाई है कि जब पिताजी रोते हैं, पता है दूर क्यों जाकर रोते हैं, कि मेरी लाडली ने अगर मेरे आंसू देख लिए तो शायद वो जा नहीं पाएगा, मगर आज कमरे के अंदर बैठ करके रो रहे हैं। भैया कहने लगा एक बार अपने बाबुल राजा को तो देख ले कहा है, क्या बीत रही है उन पर, अरे तेरे बाबुल पे क्या बीत रही, अरे बहना तू ये क्या जाने, तेरे बाबुल पे क्या बीत रही है, अरे बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को हो, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, वो बाबुल का ये घर बहना दो दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना। आज जैसे पिता के पास पहुंची कमरे के अंदर तो पिता के हृदय से लगी और कह रही है, अरे बाबुल मैं तो तेरे अंगना की ऐसी मैं तो चिड़िया रे, बाबुल तेरे अंगना की, अरे मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, अरे रात भर बसेरा है पर सुबह उड़े जाना है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है, क्योंकि बारात आने से और बाद का जितना समय गुजरता है विदाई तक का, हर आंखों में आंसू होते हैं, क्यों, क्यों?
मम्मी कहती है मेरी बिटिया छोड़ करके चली जाएगी, भैया पता नहीं कल को राखी बांधने आएगी नहीं आएगी, सोते हुए कि राखी बांध दिया करती थी, कभी मेरी कलाई सूनी नहीं छोड़ी। पापा कह रहे जो कल तक कहती थी पिताजी आपने खाना है नहीं खाया, खाया है नहीं खाया, मगर कल को फिर दूर पहुंच जाएगी, पता नहीं मिलने आएगी या नहीं आएगी। अरे बिटिया की हकीकत बात है, अगर पता पड़ जाए कि दिन के दिन जा रहे हैं तो बार बार उनसे एक बात कही कि मेरे मम्मी पापा से एक रात मिल लेने दो, फिर कल सुबह को चले, क्योंकि बिटिया का दर्द ऐसा ही होता है। मगर आज जाते जाते बाबू राजा से एक ही बात कह रही है क्या, और सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अरे अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, ओ चाहे गुड़िया ना लाना, ओ चाहे गुड़िया ना लाना, पर पापा जल्दी ता पापा जल्दी, क्योंकि बिटिया हर चीज का ख्याल रखती है। मगर आज बाबर राजा ने बक्से के अंदर निकाल लिया, नदी के पास लेकर के आगे, मगर बार बार पंडित जी से एक मिन्नत कर रहे कि पंडित जी महाराज एक बार तो मुझे अपनी लाड़ी का आखिरी बार दर्शन कर लेने दो, फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। मगर आज बिटिया बाबर राजा से अंतिम कली में कह रही है क्या, ओ चले हो कहां मेरी डोली उठा के, कर दी विदा घर से सगुन गीत गा के, चले हो कहा मेरी डोली उठा के, कर दी विदा घर से सगुन गीत गा के, राजा की हो या हो मेरे धन की, राजा की हो या हो मेरे धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारी मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बोली सच्चे दरबार की, बोली ज्वाला भैया की। आज उस बक्से को नदी के अंदर छोड़ने लगी, जैसे बक्से को नदी के अंदर छोड़ने लगी तब पिता से बार बार बक्सा छूट नहीं रहा उस नदी के अंदर। पंडित जी महाराज कहने लगे राजा समय निकला जा रहा है जल्दी से छोड़ो। अब जैसी पंडित जी राजा ने वो बक्सा नदी के अंदर को धकेला तो कुछ दूरी पर जाकर के एक बीज भंवर में फंस गया महाराज और डूबने लगा। तभी पिता के दृश्य आवाज निकली, माँ मेरी लाठी के जीवन में जाके डोर तेरे हाथ में, इसे कुछ हो ना जाए। माँ का सिंहासन हिलने लगा, माँ ने उस बक्से के नीचे हाथ लगाया, बक्सा ऊपर आने लगा। प्रेम से बोलो अरे सारे बोलो, अरे बहते बहते फिर बक्सा बीच भंवर में आया है, सिंहासन हिल गया मात का, माँ ने हाथ लगाया है, ओए माँ ने हाथ लगाया है, ओए माँ ने हाथ लगाया है, अरे बहते बहते फिर बक्सा भाई काशी नगरी आया है, एक पंडित स्नान कर रहे नजर जोन की आया है, ओए नजर जोन की आया है, भाई नजर जोन की आया है, अरे बाहर निकाला बक्सा भक्तों तुम्हें बताते हैं, अरे तारा रुकमण दो बहनों की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, सच्ची दरबार की बोल ज्वाला भैया की। अब सुबह 5:30 बजे की पावन बेला में रोजाना एक पंडित जी उस नदी के अंदर स्नान करने आया करते थे। बक्से की एक खासियत थी कि बक्सा थोड़ी दूर चलता और रुक जाता, थोड़ी दूर आगे बढ़ता तो फिर रुक जाता। इतने हीरे मोती जवाहरात चढ़वा दिए कि मेरी लाड़ी के आने वाले जीवन में किसी बात का दुख नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब उधर पंडित जी महाराज जैसे ही 2-4 कदम बक्से की तरफ को बढ़ाए तो पंडित जी महाराज डूबने लगे, और आगे बढ़े थोड़े से और तो बक्सा और आगे हट गया, निकल के नदी के किनारे आगे। पंडित जी के हाथ बक्सा खंडे आया जी, क्या कह रहे जोर से बोलो, लालच क्या पैसा किसके मन में, पंडित जी के मन में और किसके, जो कह रहे पंडित जी के मन में लालच था, देख लो हाँ लालच नहीं था, माता रानी का तो हाथ भाई था उस पर, उस कन्या को पूर्व काल से श्राप लगा हुआ आ रहा था कि जन्म तो राजा के आएगी मगर जाकर के तेरा पालन पोषण एक नीच घराने में होगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, आज
उधर जैसे ही पंडित जी निकल के नदी के किनारे आए तो देखिए क्या है, दूर से के भील झाड़ू लगाता हुआ आ रहा था। उस भील को भाई लगे, अरे भील भैया देखिए जरा ये बक्सा बहता जा रहा है, इसके अंदर जो माल है वो सब तू ले जाना, बक्सा हमको चिंता ना करो तुम्हें दे जाएंगे। एक बार कहते सच्चे दरबार की, अब भीम ने छलांग लगाई, बक्से को निकाल के नदी के किनारे ले आया। अब जैसे ही पंडित जी ने बक्से का लॉक खोला तो श्याम वर्ण कन्या मुस्कुरा रही थी। एक बार कहते ज्वाला मैया की, अब भीम उस कन्या को देख करके आंखों से आंसू बहने लगे। अब पंडित जी महाराज कहने लगे कि भाई एक बात बता तू रो क्यों रहा है। एक बार कह दो जय माता की। अब पंडित जी महाराज कहने लगे तू रो क्यों रहा है, क्या बात है। कहने लगे पंडित जी महाराज आज ये मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्यों आज मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे कोई औलाद नहीं है, अरे आज मुझ पे औलाद को माने औलाद वाला बना ही दिया। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, खुशी खुशी गोदी में ठा लिया और लेकर के घर की तरफ को चल दिया। महाराज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मगर राजा ने किसके लिए लड़वाई थी, बिटिया को, कि मेरी बिटिया हर समय राज करेगी। मगर उसके मन में उसके रंग नसीब में तो घुटमन चलना लिखा था। आज एक राजा की बेटी एक राजपालने में झूल रही है और एक बिटिया एक भीलों के घर में घुटमन चल रही है। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, लेकर के घर पे आ गया, पत्नी की गोद में डाल दी। पत्नी कहने लगी स्वामी एक बात बताओ, आप ये नन्ही से 4 दिन की कन्या है किसकी ठालाए। अरे महाराज एक काम करो, जिसकी भी लेकर के आए हो इसे आप उसके घर दे आओ, हम इसको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, क्योंकि हमें बिना खाए एक एक महीना हो जाता है। देख भगवान ताने सुनते सुनते तेरा पेट ना भरा, अरे आज हमें औलाद वाला बनाया है, तू कहती है कि जहां से लेकर के आयो वही दे आओ, अरे आज हमें माँ भगवती ने औलाद दी, हम इसका पालन पोषण करेंगे, जिसने औलाद दी इसका पालन पोषण का भी जुगाड़ वही करेगी। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, कहते हैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो बिटिया जवान होने लगी। अब पत्नी कहने लगी स्वामी हमारी बिटिया बालावस्था में आ गई, इसका कोई अच्छा सा नाम तो रख लो, क्योंकि पंडित जी तो आने के नहीं हमारे यहाँ, नाम क्या रखा उसका या थोड़ा ऐसे क्या नाम रखा गया, रुक्मणी, किसने बताया तुमने, रुक्मणी क्यों रखा गया मैंने, हाँ जी बताओ रुक्मणी ही क्यों रखा गया, अनारकली भी रख सके, संतरा भी रख सके, केला भी रख सके, चीकू भी रख सके, है? पहले बड़े बूढ़ों के नाम ऐसे होते हैं, मरती बरती है जी, रुक्मणी क्यों रखा गया, इसका कारण है बताओ, मैंने बताया था आपको, मैं गहला गहला बताता चल रहा हूँ आपको, पर उत्तर पकड़ना ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, क्यों जी क्यों रखा गया, क्योंकि बक्सा पानी में रुक रुक करके बहता जा रहा था, हीरे मोती जवाहरात मणियों से जड़ा बक्सा था, उसका नाम रख दिया रुक मणि, प्यार से कहा करते थे रुको। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, ज्वाला भैया की बड़ा उड़ी हाल का सर, अब धीरे धीरे वो कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा की तरह जवान होने लगी। उधर 3 साल पहले बड़ी थी कौन, तारा, तारा जवान होगी, उसी काशी नगरी के समीप हरिपुर गांव के अंदर तारा ब्याही रहती है राजा हरिचंद के साथ। माने तारा को जान सा बेटा दिया जिसका नाम रोहित रखा गया, क्योंकि माँ भगवती की बहुत बड़ी पुजारी थी तारा। उधर रुक्मणी का रिश्ता तय हो गया कलवा भील के साथ, अब रुक्मणी का कन्या दान किया, जैसे रुक्मणी ससुराल में पहुंची तो रुक्मणी ने देखा कि मेरे ससुराल के अंदर मांस बेचने का कार्य होता है। जो रुक्मणी के पति थे सुबह को जाया करते थे समुद्र से मछलियां पकड़ कर आया करते थे, उन्हें बाजार में बेच के जो पैसे आया करते थे उनसे रुक्मणी के घर में खाने पीने की सामग्री आया करती थी। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, आज रुक्मणी कहने लगी स्वामी धीरे धीरे 3 साल हो गए रुक्मणी की शादी को, मगर रुक्मणी की सास रोज ताने मारा करती थी हमारे घर में बांध बहू कहां से आ गई, मगर आज जब रुक्मणी को ताने सुनते सुनते रुक्मणी परेशान हो गई तो उधर महारानी तारा का बेटा 5 वर्ष का हो गया महाराज, और बेटी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रानी तारा आज अपने राजमहल के अंदर विशालकाय दरबार लगाती है और माँ की ज्योत जगा करके जय जयकार कर रही है। उधर सांप का वक्त हुआ,
रुक्मणी के पति की तबीयत खराब हो जाने के कारण वो मछलियां बाजार तक बेचने नहीं जा पा रहे। रुक्मणी कहने लगी, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मछलियां लेकर के बाजार तक बेचने जाता हूँ। मगर माँ ने दोनों बहनों को बचपन में जुदा किया, अब मिलाने के लिए जा रही है। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। रुक्मणी माँ से बड़े टोकरे को उठाकर के बाजार की तरफ को चलती। अंधेरा छा गया, जैसी सारी मछलियां बेची तो खाली टोकरा लटका करके आज रानी तारा के महलों के आगे से निकली जा रही है। तो जैसी तारा के महलों के आगे से निकली, जय जयकार के बाद रुक्मणी के कानों में पड़ने लगी ताली बजा करके, जरा प्रेम से बोलो भाई सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो। अब देखा क्या कि अंदर कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो महलों की सीढ़ियों पर बैठ गई। अंदर से दरवाजा बंद था, पर बाहर सीढ़ियों पर बैठ करके माँ का गुणगान सुनिए। बड़ी प्यारी प्यारी भी आज रानी तारा के महलों में चल रही थी। कौन कौन सी ताली बजा करके, शेरा वाली मैया ताले किस्मत के खोल, शेरा वाली मैया ताले किस्मत के खोल, ताले किस्मत के खोल तेरा लागे ना मोल, ताले किस्मत के खोल तेरा लागे ना मोल। अरे जोता वाली मैया ताले किस्मत के खोल, जोता वाली मैया ताले खोल। और कहने लगी, तूने भेजा बुलावा मैया मैं दौड़ा आया, तूने भेजा बुलावा मैया मैं दौड़ा आया। मैया कहाँ कहाँ से कलाकार आए हैं, तेरे बुलावे में आए हैं, अगर तू नहीं बुलाती तो कोई नहीं आता। अरे तूने भेजा बुलावा मैया मैं दौड़ा आया, तूने भेजा बुलावा मैया मैं दौड़ा आया। अपने बेटे पे कर दे दाती आंचल की छाया, अपने बेटे पे कर दे मैया आंचल की छाया, अपने शर्मा पे कर दे मैया आंचल की छाया, अपने शर्मा पे कर दे मैया आंचल की छाया। शेरा वाली मैया एक बार बेटा कह बोल, शेरा वाली मैया एक बार बेटा कह बोल, एक बार बेटा कह बोल तेरा लागे ना बोल, एक बार बेटा कर बोल तेरा लागे ना बोल। ओ जोता वाले मैया ताले किस्मत के खोल, शेरा वाली मैया ताले किस्मत के बोली सच्चे दरबार की। अब सुबह हो गई, पूरी रात निद्रा में खो गई और निद्रा आ गई। अब जब आ गई तो सो गई पड़ी पड़ी, मगर ध्यान अंदर जागरण में है। आज सुबह जब आंखें खुली सबकी तो सबने देखा क्या, तारा कहने लगी, मेरे यहाँ से कोई भक्त बिना प्रसाद के ना जाए, जो भी जाए प्रसाद लेकर के जाए। मगर रुक्मणी इधर बाट में बैठी कि कब दरवाजा खुले, कब मैं भी माँ के दर्शन करके जाऊँ। एक बार के दो जय माता की, जैसे रानी तारा ने सबको प्रसाद देकर के दरवाजा खोला तो आज रुक्मणी को देखा। अरे कौन है, कहां से आई, क्या नाम है तेरा? अरे तो पूरी रात ठंडे में मरती रही, दरवाजा खोल के अंदर आ जाती। नहीं महारानी, मैं आपकी महलों के अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्या बात है? कहने लगी, महारानी नीचों की बस्ती में रहती हूँ, मांस बेचना मेरा काम है, रुक्मणी मेरा नाम है। कोई बात नहीं बहन, चल अंदर चल। ये देख, ये जो दरबार है ना, ये किसी से जाति बिरादरी नहीं पूछता। चल, ये तो जो भी जाता है वो यही कहता है कि मेरी माँ का भवन आ गया। चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी की चाची किसी की ताई किसी की फूफी नहीं लगती, किसी मौसी नहीं लगती, जो भी जाता है वो यही कहता है कि मेरी माँ का दरबार आ गया। चल अंदर चल, माँ के नाम का प्रसाद लेकर के जाना। प्रसाद ले लिया, जैसे 33 कोटि देवी देवताओं को देखा और माँ की जोत पर निगाह पहुंची तो तारा पर, तारा से रुका नहीं गया। कहने लगी, बहन एक बात बता, तूने तो इतना लंबा घूंघट यहाँ कर रखा है, किससे कर रखा है? क्योंकि रुक्मणी ने कह दिया मुझे देख ना रन। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। मगर जैसे घूंघट के ऊपर कराया तो तारा को 3 जन्म याद आ गई। एक बार कह दो जय माता की। मगर आज
तारा ने हृदय से लगा लिया, मगर रुक्मणी अपने हाल को बयां कर रही है। कह रही है, बहन मैं नीच जाति से हूँ, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको तो महारानी हो। मगर आज कह रही है क्या, बोली सच्चे दरबार की, बहन मेरी मत करे इतना प्यार में फिर नहीं आने की, बहन मेरी मत करे इतना प्यार में फिर नहीं आने की, मैं फिर नहीं आने की, ओ तेरे पास नहीं आने, ओ तारा मोहे मत करे तेरा प्यार में फिर नहीं आने की, ओ तारा मोहे मत करे तेरा प्यार में फिर नहीं आने की। और कहने लगी बहन सुन, तारा तू किस्मत वाली, अरी गोद मेरी है खाली, तारा तू किस्मत वाली, अरी गोद मेरी है खाली, बहन तेरा ऊंचा है घर बार में फिर नहीं आने की, बहन तेरा ऊंचा है घर बार में फिर नहीं आने की। बोले सच्चे दरबार की, जब इतनी बात सुनी तो तारा कहने लगी, बहन तेरे लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, कभी भी आ कभी भी जा, तू तो मेरी बहन है। अब कहने लगी एक बात बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बहन तू बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे माँ ने बेटा दिया, मगर आज 3 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे कोई औलाद नहीं है, कुछ ऐसा जतन बता दे जो तेरी माँ मेरी भी झोली भर दे। आज कहने लगी, बहन मिलवाट करके प्रसाद खाना, इसमें से मांगना, ये मत सब के भंडारे भरने वाली है, तेरे भंडारे भी भर जाएंगे। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। रुक्मणी घर गई, प्रसाद खाया और छोटे से आले के अंदर एक मंदिर बना लिया मैया का, छोटी सी मूर्ति रख ली, दीपक जला करके इस माँ के सामने पल्ला फैला करके मांग रही है और कह रही है क्या, बोली सच्चे दरबार की, मन की मुरादे पूरी कर माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, करने का भोग लगाऊंगी, मैया तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। और कहने लगी, अगर बात तूने मुझे बेटा दे दिया, जब मेरा मैं तो मेरा बड़े भाव से रुपया एक नारियल, सवा रुपया एक नारियल, मैं तेरी भेंट ये मैया दर्शन करने को मैं तो। भेंट किस किसने चढ़ाई मैया का, ये नारियल की भेंट आप क्यों चढ़ाते हो? पंडित जी ने बताया पर मैं भी बताऊंगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, ज्वाला भैया की। आज रुक्मणी ने बोल कबूल कर दी। और एक चीज और है, हम बोल कबूल तो बहुत जल्दी कर देते कि माँ अगर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो तेरी 5 कन्या तो जिमाई देंगी। अब माँ ने नौकरी तो लगवा दी, हाँ अब पता पड़ी 5 कन्या जिमाने का समय नहीं आया, अब और इच्छा बढ़ गई क्योंकि हमने अपने अंदर इच्छाएं पाल रखी हैं। क्या जब सरकारी नौकरी लगी, मैया एक काम कर, एक सुंदर सी अगर बहू और आ जाए ना घर में, सीधा तेरा जागरण ही करवा दूंगा। मगर महाराज हम बोल कबूल तो कर देते हैं, कभी कभी ये बोल कबूल इतनी लंबी खिंच जाती है कि पता नहीं कब तक तो गई। ये सच्चाई है, कभी बोल कबूल मत करो, माँ से मांगना तो वैसे ही मांगो, ये तो देने वाली है, ढेरों पे ढेर देती है। हाँ क्योंकि इस माँ के ऐसे ऐसे कृष्ण देखे हैं कि कह तो दिया मेरा जागरण करवाऊंगी, मेरे बेटा हो गया, पता जागरण किसने करवाया, उस बेटे की बहू ने।
हाँ जब चार चार पांच पांच बच्चे हो गए, मैं यह सच्चाई बता रहा हूँ आपको। एक जागरण को दादरी के अंदर जो बड़ा मंदिर है, तहसील की बात बता रहा हूँ आपको, गुजर परिवार करोड़पति हस्ती, किसी बात की कमी नहीं थी, छह छह सात सात गाड़ियां थी उस घर के अंदर रिपोर्ट है। मगर पता है क्या हुआ, पूरी रात होगी उन्हें रोते रोते जागरण में, मेरे पर रुका नहीं गया। मैं कह लगा एक काम करो, मैंने कहा आप यहाँ हो, मैंने कहा आपको क्या दुख है, आप जो रो रहे हो पूरी रात आपको रोते रोते होगी। कहने लगे पंडित जी महाराज आज इस माँ को मनाते मनाते पता हमें कितने साल हो गए, 49 साल, 49 साल कम नहीं होते। कहने लगे हमने हर चीज से कोशिश कर ली मगर पता नहीं माँ किस बात पर रोकते हमसे। तो भैया जी 18 साल मुझे हो गए, मैं बता तो रहा हूँ मेरी बेटी है 18 साल की, मेरे खुद भाई को छोटे वाले मुझसे छोटे को बोल दिया था लड़की के लिए जागरण करवाऊंगा अगर कन्या भवानी हो गई। लड़की आज 12-13 साल की हो रही है जबकि मैं खुद जागरण करने वाला हूँ अपने घर के अंदर। कहते ना माँ आती आ जाए तो मेहमान, आज गरीबों के घर आ जाए, अब चली जाए तो करोड़पति के घर को ठोकर मार के चली जाए। आज तक अपने घर में हम जागरण नहीं कर पाए क्योंकि अभी इसका ऑर्डर नहीं है। जब इसका ऑर्डर हो जाएगा तो समझो चाहे पैसे हो या ना हो या कहीं से भी कलाकार आए कहाँ कहाँ से आएंगे इस मुझे पता नहीं। इसे तो भैया जी इस पहली गली से लेके और गांव खेड़े तक हर गली में 10-10 जागरण करें हम, शायद इसके लिए भी चौथा या पांचवा जागरण। मैं कह तो रहा हूँ ये नसीब की बात, ये नसीब है, ये नसीब हमारे ही घर में। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, मगर आज रुक्मणी ने बोल कबूल तो कर दिया। 1 साल बीता रुक्मणी की गोद में मां की कृपा से चांद सभी तक दिखने लगा। अब बेटा 2.5 साल का तो छोड़ो, हो गया पूरे कितने 5 साल। अब कैसा जागरण, किसका जागरण, कौन मैया किसकी मैया, मैया को तो भूल गई। हाँ अब बेटे के लाड़ प्यार में लगी खिलाने में, मगर मैया ने आदेश दिया अरे लांगुड़िया तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, बारिश तो पहले बंद करवा दी। अब तू एक बार बता तू जाके देख तो सही रुक्मणी मेरे नाम का जागरण क्यों नहीं करा रही। अब जैसी लांगुड़िया ने कदम रखा तो पीछे से माँ भगवती ने पहरा डाल दी, बेटे के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगे जिसे हम चेचक कहते हैं माता कह देते हैं। इस मैया का नाम क्या है हकीकत में, असली नाम क्या है इस मैया का, किसने बताया शीतला, किसने बताया? तुम तो डर रहे हो ना, सही बात से क्यों डरते हो, असली भी नहीं बताओ किसने बताया हकीकत में शीतला बता दो। अच्छा भाई भाई बहुत सुंदर, एक बार ताली बजा दे। शीतला माता उसे मैं छोटी माता बड़ी माता कंठी माता, एक बार कह दो सच्चे दरबार की, अब चैत मास में माँ का मेला आने वाला है, एक बार कह दो सच्चे दरबार की, माँ शीतला ने पहरा डाल लिया। बेटा इतना बीमार हो गया कि जिस भी डॉक्टर के पास जा रही है हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि तेरे बेटे का इलाज हमारे पास नहीं है, जाकर के कहीं रोना दिखा ले। आज थक गई तो लेकर के दौड़ी दौड़ी कपड़े से ढक लिया, तारानी तारा के पास पहुंच गई। कहने लगी बहन एक बात बता, माँ ने बेटा तो दे दिया मगर बेटे को पता नहीं क्या परेशानी होगी, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कहने लगी बहन एक बात बता, कपड़ा हटाया हाथ जोड़ करके खड़ी होगी बहन, तू एक बात बता तेने कुछ बोल कबूल तो नहीं किया, सोच ले। ना बहन मुझे तो ध्यान नहीं है। अब माँ ने ऐसी बुद्धि फिराई कि सब कुछ याद आ गया। कहने लगी बहन मैंने जागरण सा बोला, हाँ जागरण सा बोला कि जागरण बोला। कहने लगी बहन जागरण बोला था, कब बोला था बहन, कितने साल का बोला था जी, 2.5 साल का। और बेटा कितने का हो गया, 5 साल का। करा दिया क्यों नहीं कराया बहन, क्यों नहीं कराया बहन, देख ना तो जागरण कभी मेरे ससुराल में हुए ना कभी मेरे पीहर में हुए, तो एक बात बता जागरण कराने की विधि मुझे बता, मैं तेरी माँ के नाम का जागरण करवाऊंगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, ज्वाला मैया की बहन सबसे पहले जागरण कराने के लिए माँ के नाम के पीले चावल बांधने पड़ते हैं, ये बहन कहते हैं। क्या बहन उसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लेना, 1.25 पाव हल्दी में गंगा जल के
छींटे लगा के चावल पी लेकर लेना, सात गांठ हल्दी, सात सुपारी, एक पान, दो डोंग के जोड़े, दो गज दक्षिणा रख करके मिष्ठान लेकर के जिसने मंदिर पर पहुंच जाएगी और जिन पंडितों ने तेरे दर्शन स्वीकार कर लिए वो तेरे यहाँ जगराता करने आएंगे। कहने लगी भाई ठीक है, पैसे ठा के रख दिए, सवार पर लिया, गंगा जल के छींक लगाए, सास बार अपने पुत्र के ऊपर से तार करके लाल कपड़े में गांठ लगा करके रख दिए। एक बार कह दो सच्चे दरबार की आज रुक्मणी कुंडलों को बांध लेती घर पे जाकर के, जैसे पैसे ठा करके रखते माँ भगवती ने पहरा हटा दिया। एक बार कह दो सच्चे दरबार की आज माँ भगवती की कृपा से रुक्मणी दल तो बांध दी, लेकर के जगह जगह मंदिरों पर घूम रही है, मगर सारे पंडितों ने मना कर दिया कि हम नीचों की जाति में जगराता करने नहीं जाएंगे। मगर जब इतनी बात सुनी तो कहने लगी कि बहन एक बात बताता, मैं पंडित जो पंडितों के पास गई मगर सारे पंडित जी ने मना कर दिया कि हम तेरे यहाँ जगराता करने नहीं जाएंगे, अगर तेरे यहाँ रानी तारा जगराता करने जाएगी तो हम भी तेरे यहाँ जगराते में आएंगे, अब इन दलों को लेकर के कहाँ जाऊँ। कहने लगी बहन तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ कोई जगराता करने आए ना आए, तेरे यहाँ कोई भेंटे गाने आए ना आए, तेरे यहाँ कोई दरबार शाम लगाने आए ना आए, तेरे यहाँ आज की रात्रि अंबिका जागरण पार्टी माँ भगवती का जगराता करने आएगी। एक बार कह दो सच्चे दरबार की ज्वाला भैया की ला बहन ये गल मेरी झोली में डाल दे, जा तू जागरण की तैयारी कर, शाम को मैं तेरे यहाँ समय से पहुंच जाऊंगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की बात लिए, अब लेकर के देकर के बहन को अपने घर जाकर के जगराते की तैयारी करी। उधर दोनों बहनों की बातें एक राजा के मंत्री ने सुन ली और जाकर के राजा से चुगल खोरी करती, महाराज आज रात को आपकी रानी तारा नीचों की जाति में जगराता करने जाएगी। कहने लगे तुझे कैसे पता, महाराज मैं भी सुन के आ रहा हूँ। हाँ दोनों बहनों की बातें, और महाराज आज रात को जाएगी भी जाएगी रानी तारा जागरण की, हाँ रोक लेना। एक बार कह दो सच्चे दरबार की मगर ये माँ जिसको बुलाने पर आ जाती है ना सात तालों के अंदर से भी बुलवा लेती महाराज। हाँ अब राजा ने कहा मंत्री कोई ऐसा उपाय है जो मुझे रात को नींद ना आए और रानी तारा जगराते में ना जाए। महाराज उपाय है, तलवार निकाल करके लाया, राजा की कंठकुंडली में थोड़ा सा चीरा लगा दिया। महाराज हाय हाय करके टकराने लगे, महाराज थोड़ा सा नमक और लगा लो, इससे आपको रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना आपको नींद आएगी ना रानी तारा जगराते में जाएगी। अब आगे महलों में हमसन पार्टी लेकर के पड़ गए। आज रानी तारा देख रही है स्वामी को कभी नींद नहीं आ रही, कभी इधर से राजा करवट इधर और कभी इधर से इधर। कहने लगी स्वामी आपको नींद नहीं आ रही क्या? कहने लगी तारा क्या बात है, कहीं जाना है क्या? ओहो मंत्री की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, मतलब तारा ने आज से पहले नहीं पूछा। विश्राम कक्ष में आ गई, चरण चापने लगी। चरण चापना किसे कहते हैं जी? या पैर दाबना है। जितनी शादी शुदा स्त्री केवल जिन्होंने मेहंदी लगा रखी है, एक बार वो हाथ ऊपर करके दोनों मैया को दिखाएं, एक बार दोनों हाथों की रेखा दिखाएं मैया को। जितनी शादी शुदा स्त्री केवल मैया को ऐसे करके हाथ दिखाओ, दिखाओ तो सही, मैं कोई पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ उनसे, उठाओ जरा जो अपने अपने पति के दोस्त पैर दाबते हो। एक बार कह दो सच्चे दरबार की हो गया जागरण, मिलकर के कह दो जय माता की, सारे कह दो जय माता की। आज उधर रानी तारा राजा के चरण चापने लगी और मैया से फरियाद करिए, अब सब ताली बजाना, मिलके माँ से मांगना, बोलिए सच्चे दरबार की। मगर आज रानी तारा राजा के चरण दबा रही और मैया से कह रही है क्या, ए माँ शेरा वाले मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी बाते ना, ए माँ शेरा मैया आज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। और कहने लगी कैसे जाऊँ जागरण में, राजा नहीं सोते हैं, कैसे जाऊँ जागरण में राजा नहीं सोते हैं, अरे परेशान हूँ मैया मेरी देवी भी रोते हैं, ओ
भैया मेरी प्रार्थना है थोड़ी सी ठोकर और मार दे मैया पार हो जाएगी, हलवा चलेगा प्रसाद बन जाएगा। है एक बार कह दो सच्चे दरबार को, एक बार कहो ना हाथ भर करे जिंदगी को हलवा चलेगा प्रसाद चाहिए। कोई बात क्या बात हो सुबह मिलेगा, चिंता मत ना करो मिलेगा सबको। बैठे आप ऊपर तो वाला हाथ करके और भाई साहब बढ़ाओ उसे जरा अपने कसवा दिखाया। अरे लेट गया पलक पे राजा, महिला ने ऐसी आधी सी चलाई कि राजा को नींद आ गई और पड़ते ही राजा सो गए ताली जाके। अरे लेट गया पलक पे राजा, राजा को नींद जो आई है, जगराते में जाने को तारा ने लगन लगाई है, तारा ने लगन लगाई है, तारा ने लगन लगाई है। लेट गया पलक पे राजा, जो आई है जगराते में जाने को तारा ने लगन लगाई है, तारा ने लगन लगाई है, तारा ने लगन लगाई है। अरे तो सरदान रस्सी बांधी माँ से ढेर लगाई है, जल्दी जल्दी उतरी तारा अम्बे माँ ने दिया सहारा, अम्बे माँ ने दिया सहारा, अम्बे माँ ने दिया सहारा। गली शहर से देखो भक्तो फिर जंगल आई है, तो डाकू फिर मिले वहाँ तारा ने आवाज लगाई है, तारा ने आवाज लगाई है, तारा ने आवाज लगाई है। राज बचाओ तेरा वाली सच्ची जोता वाली है, इतने में फिर मात वैष्णो बन के कालिका आई है, वो बन के कालिका आए है, माँ बन के कालिका आई है। इतने में फिर मात वैष्णो बन के कालिका आई है, एक डाकू की गर्दन मार धन से अलग उड़ाई है, ओ धन से अलग उड़ाई है, हाँ धन से अलग उड़ाई है। अरे हीरो जरी ज्योतिया भक्तो तारन बाहर उतारी है, रुक्मण के घर अंदर जाकर जय जयकार लगाई है, बोल जय जयकार लगाई है, बोल जय जयकार लगाई है। जरा फिर से बोलो धन सारे बोलो, जरा ऊंचा बोलो आवाज लाई, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ कांगड़े वाली, माँ धौलागढ़ में, माँ धौड़िया में पेड़ा पार लगा दे, माँ सोता वाली, माँ अम्बे काली, बड़ी हाथी मंथा भगतों का जत्था, तेरी ऊंची चढ़ाई माँ रह नहीं पाई। अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, छोटी सी कन्या के द्वारा माँ के भवन जाने का रास्ता पूछने लगा। हे लाल चंदरिया वाली देवी, मुझे भी माँ के भवन के जाने का रास्ता बताओ ना। मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, अरे दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ।
पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ पहली बार।